तो यह स्वागत है सर्वाइवल सीरीज के पार्ट नंबर 6 में। तो पार्ट नंबर 5 में मैंने पूरा डायमंड का आर्मर बना लिया था और उसे एन्चेंट भी कर लिया था। सो आज के पार्ट में बनाऊंगा आयरन फार्म प्लस एक ब्रीडर, विलेजर ब्रीडर। सो ये फार्म्स मेरे आगे के फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे, इसलिए मुझे इन फार्म्स को बनाना ज़रूरी है। सो मैंने आज का वीडियो डिसाइड किया है इन फार्म्स को बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस चल रही है हमारी। सो इसे बना लेते हैं हम इन फार्म्स को। सो ईजी है फार्म्स को। सो सबसे पहले मुझे अपने आर्मर पीसेस की एन्चेंटमेंट दिखानी है कि कौन से पीस पे कौन सी एन्चेंटमेंट आई है। सो रेडी हो ना देखने के लिए। तो चलो दिखाता हूँ कौन से आर्मर पीस पे कौन सी एन्चेंटमेंट्स आई है। सो मेरे सबसे अच्छी एन्चेंटमेंट्स बूट पे आई है, बाकी ओ टूज पे अच्छी नहीं आई है, स्वॉर्ड पे अच्छी आई है, नॉर्मल सी एन्चेंटमेंट्स आई हैं, इन पे ज़्यादा अच्छी एन्चेंटमेंट्स नहीं आई है, पता नहीं क्यों नहीं, बट ठीक ठाक एन्चेंटमेंट है। सो अब बनाने की तैयारी कर लेते हैं हम अपने फार्म्स की। सबसे पहले बनाऊंगा विलेजर ब्रीडर, उसके लिए क्लास चाहिए, ज़्यादा कुछ आइटम नहीं चाहिए, बेड और ट्रैप डोर इनफ, इतने क्वांटिटी चाहिए थोड़े बहुत। सो चलो इसे कलेक्ट करते हैं और बनाते हैं अपने ब्रीडर को। सो लगता हूँ इस काम पे। ऑल राइट गाइज, जितना भी आइटम चाहिए था मैंने सारा कलेक्ट कर लिया है और अब बनाते हैं अपने ब्लेजर ब्रीडर को। ओके ओके ओके, तो ब्लेजर ब्रीडर कंप्लीट हो चुका है। पीछे दो ब्लेजर हैं जो ब्रीडिंग करने के लिए तैयार है। एक्सपी फार्म के पास बनाया था कि एफ के रहूँ तो एक्सपी भी मिलती रहे और ये ब्रीडिंग भी करते रहे। सो अब बनाना है मुझे आयरन फार्म, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी लीफ लगेंगी, कोबल स्टोन लगेगा 10 स्टैग और थोड़े बहुत साइन वगैरह, लावा, वाटर और चेस्ट हॉपर, बस इतना ही आइटम चाहिए। विलेजर चाहिए और फ्लेचिंग टेबल चाहिए 20 और बेड वगैरह चाहिए। सो इतनी इनफ क्वांटिटी में आइटम चाहिए, थोड़े से आइटम्स में काफ़ी अच्छा आयरन फार्म बनेगा अपना। सो बनाते हैं आयरन फार्म और कलेक्ट करता हूँ जितने भी आइटम चाहिए आयरन फार्म के लिए। मेरे पास कोबल स्टोन भी नहीं है और कोई भी आइटम नहीं है। सो कलेक्ट करता हूँ मैं जितना भी आइटम मुझे चाहिए।
राइट गाइस, तो आयरन फार्म कंप्लीट हो चुका है और पीछे विलेजर्स के जगह बची है जहाँ पर विलेजर नहीं है, तो मैं यहाँ दो विलेजर लेके आऊँगा और उनकी ब्रीडिंग कराऊँगा, जिससे अनलिमिटेड विलेजर ही विलेजर होंगे और वो करेंगे हमें बहुत सारे आयरन प्रोड्यूस। वो नहीं करेंगे, उनसे आयरन कॉलम जनरेट होगा और वो हमें आयरन प्रोड्यूस करेगा क्लिंग चैम्बर में मर मर के। सो भर भर के आयरन होगा हमारे पास। सो अब बाकी के काम कर लेते हैं, जैसे बचे आयरन गोलम थोड़े ना विलेजर लेके आऊँगा, आयरन गोलम का गलती से निकल गया। सो इस बात पे सब्सक्राइब कर लो और अब लेके आते हैं अपने विलेजर को और ब्रीडिंग कराना शुरू कर देते हैं उनकी। तो ये रहे अपने विलेजर जो लगे पड़े हैं ब्रीडिंग करने में। सो मैं इनकी ब्रीडिंग करा रहा हूँ, इतने की तो करा दी, थोड़े बहुत और रहते हैं जो मैं करवा दूँगा आगे नहीं अभी करवाऊँगा, थोड़ी देर में और सारे विलेजर आ जाएंगे, फिर अपना फार्म बड़ी ईजिली वर्क करेगा। इन्हें ब्रेड देनी पड़ती है जिससे ये ब्रीडिंग करते हैं। ब्रेड मैंने विलेजर से कलेक्ट कर ली थी, फार्मर विलेजर से कलेक्ट कर ली थी मैंने। ये ब्रेड ईजिली मिल जाती है एमरल्ड के बदले। सो या आयरन फार्म में छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, पूरा वाटर इन्फानाइट हो गया है। इसका मतलब इन्फानाइट बहुत दिक्कत देगा, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। ऑल राइट गाइज, तो कंप्लीट हो चुका है अपना पूरा फार्म। गड़बड़े तो हुई थी दो बार, दो घंटे लग गए उसे सुधारने में। मुझे मेरा सर फट रहा है बहुत तेज, ये तो है रियल। और काम कर रहा है फार्म, ये भी रियल है। सो फार्म करने लग गया हमारा काम, क्या बोल रहा मुझे कुछ नहीं पता। सो ये फार्म वर्क थिएटर है मेरे लिए आगे के प्रोजेक्ट के लिए। सो मैं दिखाता हूँ कि कौन सी चेस्ट, मेरा सर फट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चेस्ट एक ही लगाई है मैंने, 10-20 थोड़ी ना लगाई है। सो इस चेस्ट में कितना आयरन कलेक्ट हो रहा है तो वो देखते हैं सबसे पहले। सो मेरे पास 64 और थोड़े से पीसेज और है इसमें आयरन के। सो इनफ है इतने तो, और एफ के करने पर मिल जाएंगे। तो यार कमेंट बताओ कैसा लगा ये वीडियो, और लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर लो। मेरा सर फट रहा है लेकिन फटने दो, सो मैं झंडुवाम लगा लूँगा। सो झंडुवाम लगा के एक सब्सक्राइब कर दो।